हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्लिप डिस्क क्या है, साथ ही जानेंगे इसके कारण, लक्षण और साथ ही घरेलू उपचार यानी कि कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज। जी हाँ फ्रेंड्स, स्लिप डिस्क जिसे स्पाइनल डिस्क हर्निएशन भी कहा जाता है, ये कमर दर्द की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद हड्डियाँ यानी कि हमारे वर्टिब्रल को सहारा देने के लिए छोटी छोटी पैडेड डिस्क होती हैं जो कि रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाती हैं और फ्रेंड्स उसे लचीला रखती हैं। लेकिन जब एक डिस्क डैमेज हो जाती हैं तो ये सूज या फिर टूटकर खुल सकती हैं, जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात आप याद रखिए, स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं है कि डिस्क अपनी जगह से फिसल जाती हैं। इसका मतलब है कि डिस्क अपनी सामान्य सीमाएं यानी कि बाउंड्री से आगे बढ़ जाती हैं या फिर फूल जाती हैं और फिर डिस्क की बाहरी दीवार छिंच जाती हैं, जैसे कि उसमें मौजूद लिक्विड यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसिस का रिसाव रीढ़ की हड्डी या फिर नज़दीकी तंत्रिका पर हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्लिप डिस्क से एक हाथ या फिर पैर में नमनेस यानी कि फ्रेंड्स सुनता और साथ ही कमजोरी हो सकती हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से में स्लिप डिस्क हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादातर ये पीठ के निचले हिस्से को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं स्लिप डिस्क के कारण यानी कि इसके कॉसेस एंड रीजंस क्या होते हैं। फ्रेंड, इसका सबसे पहला रीज़न है अचानक से झुकना यानी कि सडन बेंड होने की वजह से, भारी वजन उठाने की वजह से, कमर में चोट या फिर कोई झटका लगने की वजह से, मांसपेशियों में कमजोरी होने की वजह से यानी कि अगर आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, लगातार झुककर बैठना यानी कि कंटिन्यूसली अगर आप बेंड होकर बैठते हैं तो ऐसे में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ ही कैल्शियम डिफिशियंसी यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी आपको ऐसा हो सकता है। इसके अलावा गलत पोजीशन में बैठना यानी कि रॉन्ग पोजीशन में ज़्यादा देर तक बैठने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, अधिक देर तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करना यानी कि जिन लोगों का डेस्क वर्क ज़्यादा होता है तो ऐसे में इन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। जी हाँ, तो चलिए अब जान लेते हैं स्लिप डिस्क के लक्षण यानी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, चलने के दौरान दर्द, तनाव, खांसी या फिर पैर उठाने के साथ पेन होता है। आमतौर पर आपके शरीर के एक तरफ दर्द और साथ ही अकड़न की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पीठ में सीवियर पेन होता है जो कि आपके कुल्हे और साथ ही पैरों तक भी फैलता है। साथ ही रात में थोड़ी सी भी हलचल करने यानी कि नींद में अगर आप जब हलचल करते हैं तो ऐसे में आपको अफेक्टेड एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा खड़े होने पर भी आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको मल त्याग या फिर मूत्र विसर्जन यानी कि यूरिन करने के टाइम पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। साथ ही कम दूरी चलते समय पेन होना, मांसपेशियों में कमजोरी आना यानी कि वीकनेस की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा फ्रेंड्स इफेक्टेड एरिया में झुनझुनी की प्रॉब्लम होना, साथ ही पेन या फिर संवेदनशील जलन होती हैं। और अब सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, गूदा यानी कि एनस या फिर गूदे के आसपास और साथ ही जन्ना यानी कि जेनाइटल एरियाज पर भी आपको झुनझुनी आना या फिर सुन हो जाना हो सकता है। जी हाँ, वैसे फ्रेंड्स इस रोग के लिए अक्सर बेड रेस्ट, इंजेक्शन, सर्जरी, स्पाइनल फ्यूजन, डिस्क ट्रांसप्लांटेशन, वर्टिब्रोप्लास्टी, पिन होल सर्जरी और साथ ही फ्रेंड्स मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी को कराने की सलाह दी जाती हैं। लेकिन हर ट्रीटमेंट को सिचुएशन के हिसाब से करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो ऐसे में एक्सरे या फिर MRI माइक्रोग्राफी कराने की सलाह दी जाती हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, स्पाइनल कॉर्ड कैनाल में एक इंजेक्शन के जरिए इस समस्या का निदान होता है। जी हाँ, इसके अलावा फ्रेंड जांच के दौरान यानी कि चेकअप के दौरान स्पॉन्डोलाइटिस, डीजेनरेशन, ट्यूमर, मेटास्टेसिस जैसी समस्या का भी पता चल जाता है। स्लिप डिस्क के ज़्यादातर मरीजों को आराम करने और साथ ही फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाती है। इसमें 2 से 3 हफ्ते तक पूरा आराम करना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए अब जान लेते हैं इससे राहत पाने के लिए कुछ होम रेमेडीज के बारे में। फ्रेंड्स, ये होम रेमेडीज आपके स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम भी करते हैं, इसीलिए आप इन होम रेमेडीज को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेन बहुत ही ज़्यादा है और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए यानी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले।
तो चलिए अब जान लेते हैं इन होम रेमिडीज के बारे में। सबसे पहला होम रेमिडी है फ्रेंड्स, अदरक का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर। जी हाँ, अदरक पाउडर में 5 लौंग और 7 काली मिर्च को पीसकर मिक्स कीजिए। इसके बाद इससे काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पीजिए। इससे आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप कैल्शियम रिच फूड्स का सेवन कीजिए। जी हाँ, शरीर में कैल्शियम की कमी के वजह से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती हैं, इसलिए अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड्स को शामिल कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड, कैल्शियम युक्त दूध और साथ ही दही का भी सेवन कीजिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आप अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर, खीरा, चुकंदर का जूस और साथ ही ककड़ी आदि को शामिल कीजिए। जी हाँ फ्रेंड, इस तरह की हेल्दी डाइट को लेने से आपको स्लिप डिस्क की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे। इसीलिए आप इन कैल्शियम रिच फूड्स और साथ ही हेल्दी डाइट को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। नेक्स्ट है दालचीनी और साथ ही शहद। फ्रेंड्स, पेट दर्द और साथ ही स्लिप डिस्क की समस्या होने पर 2 ग्राम दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शहद को मिलाकर लीजिए। रोजाना दिन में 2 बार इसका सेवन करने से कुछ ही दिनों में स्लिप डिस्क के दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नारियल तेल से मसाज कीजिए। नारियल तेल में विटामिन डी, कैल्शियम होता है, जो कि फ्रेंड्स हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है यानी कि मजबूत करने का काम करता है। जी हाँ, स्लिप डिस्क में कमर दर्द होने पर नारियल तेल से मसाज कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको दर्द से राहत मिल जाएगी। आप चाहे तो फ्रेंड्स, नारियल के तेल में सरसों का तेल और साथ ही 1 से 2 लहसुन की कलियों को डालकर तेल को गुनगुना करके भी कमर की मसाज कर सकते हैं। इस तेल से मसाज करने से कुछ ही दिनों में कमर दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, खाने पीने में अदरक और साथ ही लहसुन का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। ये दोनों ही पेन किलर की तरह काम करती हैं और साथ ही आपके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप अदरक और साथ ही लहसुन का सेवन अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, इसके लिए आप 1 कप सेंधा नमक को 1 बकेट गर्म पानी में डालकर घोल लीजिए। इसके बाद फ्रेंड, इस पानी के हल्का ठंडा होने पर इसे स्नान कीजिए। इससे आपको मांसपेशियों में एंटन या फिर जकड़न की प्रॉब्लम से राहत मिल जाएगी और साथ ही आपके स्लिप डिस्क में होने वाले कमर दर्द से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले रेमेडी में फ्रेंड्स, आप गर्म पानी में तौलिया यानी कि एक टॉवल को भिगोकर निचोड़ लीजिए और लेटकर कमर पर इसकी भाप दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स, आपके दर्द यानी कि पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जी हाँ, जिससे कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप कुछ मात्रा में नमक लीजिए और हल्का गर्म करने के बाद इसकी पोटली बना लीजिए। अब इस पोटली से कमर की सिकाई कीजिए। सिकाई से दर्द कम होने लगेगा, जिससे कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, आप लंबा रोल एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, लंबा रोल एक्सरसाइज करने के लिए चटाई पर सीधे ले जाएं और अपने घुटने को मोड़ लीजिए। फिर अपने हाथों को दोनों तरफ सीधा फैला दीजिए। उसके बाद पैरों को बाएं और साथ ही दाएं दोनों तरफ घुमाइए और फ्रेंड्स, इसी तरह से हर एक तरफ 5-5 बार इस प्रोसेस को दोहराइए। इस तरह से आपके स्लिप डिस्क में होने वाली प्रॉब्लम से आपका छुटकारा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से होम रेमेडीज। अगर आपको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और साथ ही आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप इन होम रेमेडीज को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।